नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कक्षा चैनल में। और केमिस्ट्री की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज हमारा जो टॉपिक होगा वो कैथोड रेज होगा, यानी कि कैथोड किरणें। और हम पढ़ेंगे कैथोड किरणों के बारे में, उनके गुणों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो है, यहाँ से कभी जो है अचानक से आपसे पूछता है और जनरली हम लोग जो है इसको इग्नोर करके चल जाते हैं या फिर जब पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं ध्यान देते हैं। और फिर उसके तहत फिर क्या होता है कि हम जब कोई भी चीज़ हो या अगर आप अच्छे से नहीं देखोगे तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न तो होता ही है। तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए जो है हम यहाँ पे एक इसका सेपरेट वीडियो इसलिए मैं यहाँ लाया हूँ ताकि आपको एक कैथोड रेस के बारे में, आगे मैं बताऊँगा कैनॉल किरणों के बारे में, एक बेहतर समझ हो सके, एक बेहतर समझ हो सके। यही हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है। तो आइए थोड़ा सा स्टार्ट हम लोग करते हैं कैथोड किरणों के बारे में। कैथोड किरणें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बताने के पहले दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज़ जो है खूब ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे तो इससे हमारा भी जो है मनोबल बढ़ेगा, और लाइक करेंगे तो उससे हमको क्लियर ये पता चलेगा कि वाकई में आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना पसंद आ रहा है ना, इसलिए आप देखिएगा। और कोई भी टॉपिक हम लोग जो बताते हो, चाहे केमिस्ट्री का ही नहीं मैं बता रहा हूँ, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, ये सभी चीज़ों को आप बहुत ही ध्यान से देखा करिए क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो आप जो कहीं ना कहीं आई हुई होती हैं और उसका एक बेहतर समझ आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है। तो इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं कैथोड किरणों के बारे में। अब आइए होता क्या है, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कैथोड रे ट्यूब दिख रही होगी। अब इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ूंगा और पढ़ के आपको अच्छे से समझाऊंगा। जब किसी विसर्जन नलिका में किसी गैस का दाब, यानी ये आपकी क्या होती है विसर्जन नलिका, इट मीन्स ये क्या हो गया आपकी, ये ट्यूब हो गई, ये कैथोड रे ट्यूब क्या हो गई, कैथोड रे ट्यूब में लगभग जो गैस का प्रेशर है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना गैस का प्रेशर, जब गैस के प्रेशर को 10^-2 mm से लेकर के 10^-3 mm के बीच रखा जाता है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, दोनों इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड मतलब कि कैथोड एंड एनोड के बीच 1000 वोल्ट, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करके जब किया जाता है, या विभवांतर जब मतलब उत्पन्न किया जाता है तो नली में एक अदृश्य किरणें निकलती हैं। तो नली में क्या होती है, कुछ इनविजिबल रेज निकलती है जो कैथोड से एनोड की ओर चलती हैं, जो कैथोड से एनोड की ओर चलती हैं इन्हें ही कैथोड किरणें कहा जाता है। फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे क्या होता है कि एक विसर्जन नलिका होती है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब जिसे हम बोलते हैं विसर्जन नलिका। तो जब विसर्जन नलिका में एक हम क्या करते हैं, गैस प्रेशर क्रिएट करते हैं, विसर्जन नलिका में क्या करते हैं गैस प्रेशर यानी कि गैस का दाब उत्पन्न करते हैं, कैसे, उसको एक सर्टेन जो है प्रेशर दे करके, वो प्रेशर होता है 10^-2 mm से लेकर के 10^-3 mm तक, ये एक सर्टेन प्रेशर जब हम इसको देते हैं, जब देते हैं और साथ ही साथ इनके जो एनोड्स होते हैं कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड, इस पर 1000 वोल्ट का हम विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो विभवांतर उत्पन्न करने यानी कि विभवांतर मतलब विभव का अंतर, मतलब दोनों वोल्टेजों के बीच अंतर, जब 1000 वोल्ट का जब विभवांतर उत्पन्न करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेट होगा, क्या होगा, हाई वोल्टेज जनरेट होगा जिसके फलस्वरूप कैथोड जो रे ट्यूब है इसमें एक अदृश्य किरणें निकलती हैं। कहाँ से, कैथोड से निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, कैथोड से निकलती हैं, कैथोड से निकलती हैं और एनोड तक पहुँचती हैं, कैथोड से निकलती हैं और एनोड तक जाकर पहुंच जाती हैं जिन्हें हम कैथोड किरणें कहते हैं। अब मैं उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैं बता रहा हूँ, अच्छे से कीजिएगा। कैथोड किरणें, अच्छा ये जो पूरा सिस्टम था, ये जो पूरा सिस्टम था कि कैसे मतलब कि किरणें निकलेंगी कैथोड से एनोड की ओर जाएंगी, कैसे जो है प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिखा है, एयर एट वेरी लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया क्योंकि हमने एक सर्टेन प्रेशर दे रखा था इसलिए यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ और किरणें जो है कैथोड से एनोड की ओर बढ़ गई। ये सिस्टम मतलब कैसे पता चला
ये कैसे हमको पता चलेगा कि दो एनोड्स होंगे और एक कैथोड रे ट्यूब होगी, उसमें एक सर्टेन प्रेशर हम क्रिएट करेंगे, और सर्टेन प्रेशर क्रिएट करने के बाद इलेक्ट्रोडों, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं एनोड और कैथोड, उस पर 1000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने से, मतलब सबसे पहला काम क्या करना, सबसे पहला काम एक प्रेशर को क्रिएट करना, दूसरा महत्वपूर्ण काम जो 1000 वोल्ट का जो विभवांतर है उसको उत्पन्न, मतलब कि उसको अटैच करना, और इन दोनों कार्य को करने के फलस्वरूप एक रेज निकलती है, इनविजिबल रे निकलती है, वो कैथोड से एनोड की ओर जाना, इसकी खोज किसने की थी, अर्थात यह हम एक लाइन में कह सकते हैं कि कैथोड रे की खोज किसने की थी। तो कैथोड रे की खोज की थी जे.जे. टॉम्सन ने। किसने की थी? जे.जे. टॉम्सन ने। जी हाँ, मैं बता दूं कि जे.जे. टॉम्सन ने ही बताया था कि एक विसर्जन नलिका होती है जिसमें अगर हम एक प्रेशर क्रिएट करेंगे तो कैथोड से एनोड की ओर एक रेस चलती है जिन्हें हम कैथोड किरण कहते हैं। एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सर जे.जे. टॉम्सन ने यह भी बताया कि कैथोड किरणें वास्तव में ऋणावेशित होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है चार्ज, यहाँ पे देखिए निगेटिव का चार्ज है, देखिए निगेटिव का चार्ज आगे प्रोसीड कर रहा है। याद रखिएगा, कैथोड पे निगेटिव होता है और एनोड पर पॉजिटिव होता है, इसलिए कैनोल किरणें जो होती हैं वो एनोड से कैथोड की ओर जाती है ना। साथ ही साथ कैनोल किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इसके आगे वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कैनोल रेस के बारे में, फिलहाल अभी के लिए इतना ही मैं आपको बताता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे कैथोड किरणों के गुण, मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। तो देखिए, सबसे पहला गुण, ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। सीधी रेखा मतलब कि ये कैसे होती है, लीनियर वे में चलती रहती हैं। कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी होती है कि वह सीधी रेखा में चलती जाती है। इन किरणों पर ऋणावेश होता है, दूसरा प्रमुख गुण है कि इन किरणों पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। जैसे कि यहाँ मैंने डायग्राम में ही चर्चा कर दी है कि इन किरणों पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है ना। और ये किरणें कैसे चलती हैं दोस्तों, कैथोड टू एनोड की ओर चलती हैं। तीसरा, ये किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाती है, मतलब डाइजेस्ट हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि विक्षेपित हो जाती हैं, है ना। ये किरणें पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुण परिवर्तित करने की क्षमता रखती हैं। अगला गुण है, यानी कि कोई भी अगर मटेरियल है तो उसका क्या होती है, उसमें एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो ये किरणें इतनी हानि, मतलब ऐसी इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होती है कि उस मटेरियल के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तक को ये परिवर्तित कर देती हैं। अगला है, ये किरणें जिस पदार्थ से टकराती हैं उसे हीट कर देती हैं, मतलब ये जिस पदार्थ से जैसे टकराएंगी उसे गर्म कर देंगी। और लास्ट है, ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, फ्लोरेसेंस यानी इल्यूमिनेंस उत्पन्न करती हैं। ये सारे गुण थे, ये सारे क्या है, गुण हैं। तो सबसे पहला गुण क्या है, सीधी रेखा में गमन करना, ये सीधी रेखा में गमन करना। दूसरा, इस पर एक निगेटिव चार्ज होना, निगेटिव चार्ज होने के कारण ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं, और इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होती है कि ये किसी भी मटेरियल के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को परिवर्तित कर देते हैं, और ये जिस भी पदार्थ से टकराते हैं उसे हीट कर देते हैं, और साथ ही साथ ये किरणें इल्यूमिनेंस यानी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट गुण हो गए जो कि परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं तो ये निवेदन आपसे ये करूँगा कि वीडियो को पॉज करके आप डायग्राम सहित इसको आप लिख लीजिए। कोई चीज़ें जो लिख लेते हैं तो आपके मतलब हमेशा के लिए हो जाती हैं, एक नोट हो जाएगा और फिर आप पढ़ेंगे। मैं आप गारंटी के साथ बताता हूँ कि ये आप लोग आमतौर पर छोड़ ही देते हैं, बट मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो है अब इसको पढ़ेंगे और एक बेहतर समझ आपके अंदर एक डेवलप हो गई होगी। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षाओं में आया हुआ है। पहला, कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सौर सेलें होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स वगैरह होती हैं, तो अगर कोई पूछे कि सेटेलाइट में जो एनर्जी होती है वो किससे मिलती है, उसका स्रोत क्या है, तो सौर सेलें होती हैं, ठीक है ना, जो सोलर सेल्स होती हैं वो होती हैं। सौर सेल में किस प्रकार का पदार्थ हम यूज़ करते हैं, तो सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों का मतलब पदार्थ का यूज़ करते हैं। तो सौर सेलों में किस प्रकार के सेमीकंडक्टर का प्रयोग हम करते हैं, तो सिलिकॉन का किसका करते हैं, सिलिकॉन का, याद करिएगा। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी, जॉन बर्डिन, बैरिन और शॉकले ने। अब इसको याद कैसे करोगे, बर्डिन, बैरिन एंड शॉकले, BBS। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी, बर्डिन, बैरिन और
शॉकले ने। किसे किसे की थी? बर्डिन, बैरिन और शॉकले ने। किस कंपनी ने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? किस कंपनी ने ट्रांजिस्टर रेडियो, जो ट्रांजिस्टर और जो रेडियो आता है वो सबसे पहले, नहीं देखते आप लोग देखे होंगे गांव वगैरह में भी, अब तो चला मतलब शहर में तो बंद हो गया। वो ट्रांजिस्टर रेडियो ऐसा होता था कि आपको न्यूज़ वगैरह सुनाता था, जो भी न्यूज़ वगैरह जो होती थी, चाहे वो कृषि संबंधी होती थी चाहे खेल संबंधी, सारे जो है न्यूज़ वो आपको प्रोवाइड कराता था। तो उस किस कंपनी ने उसका आविष्कार किया था? तो सोनी ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। तो वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? 3 अगस्त 1954 को की गई थी। 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ है? तमिलनाडु में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ है? तमिलनाडु में। दोस्तों ये तो एटॉमिक रिसर्च की बात हो गई, इससे रिलेटेड बहुत सारे उस तरह से रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वो भी आप एक टेबल बना के कर लीजिए। वैसे मैं एक वीडियो इस पर बना दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, और रिसर्च सेंटर पे एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, भारतीय दून संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। भारतीय दूरदृष्टि शोध संस्थान, वो भी देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी में है। इस तरह से जो इंस्टीट्यूट हैं वो मैं आपको बना दूंगा, आप कमेंट करेंगे तो उस हिसाब से मैं बना दूंगा। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। इसे पहले वाले वीडियो में मैंने इसको मतलब कराया था, पर मैं रिपीट करा दे रहा हूं आपको। अब हम बात करेंगे जीरो पावर रिएक्टर की। जीरो पावर रिएक्टर क्या होता है? अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि जीरो पावर रिएक्टर क्या होता है, तो देखिए जिन परमाणु रिएक्टर का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के बजाय केवल अनुसंधान कार्य हेतु किया जाता है, उन्हें जीरो पावर रिएक्टर कहते हैं। तो जीरो पावर रिएक्टर वे रिएक्टर होते हैं जिनका इस्तेमाल हम जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, रिसर्च के लिए ही करते हैं, उन्हें हम जीरो पावर रिएक्टर की श्रेणी में रखते हैं। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते चलिए और याद करते चलिए। भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? वो है अप्सरा। भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर कौन सा दोस्तों? अप्सरा, ये भी आपको याद रखना है। फिर आइए पढ़ते हैं, ये दोनों ही परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत कार्बनिक पदार्थों की आयु को ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन 14 का इस्तेमाल हम करते हैं मृत कार्बनिक पदार्थों की आयु को पता लगाने में। वहीं यूरेनियम विधि के द्वारा चट्टानों की उम्र या आयु का पता लगाया जाता है। तो ये दोनों में अंतर क्या है, याद रखिएगा, दोनों में बेसिक अंतर यही है कि कार्बन 14 जिसमें कार्बनिक पदार्थ हो, हमारी बॉडी क्या है, हम लोग क्या हैं, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक अंश के हैं। क्योंकि जब बॉडी मृत हो जाती है, जब शरीर मृत हो जाता है, तो मृत होने के पश्चात जब उसको जलाया जाता है तो हमको मिलता क्या है रिजल्ट के रूप में, कार्बन ब्लैक। मतलब हम लोग क्या हैं, कार्बनिक पदार्थ ही तो हैं। जब व्यक्ति मृत हो जाता है, जब भी उसको मतलब जलाया जाता है, तो क्या बचता है, राख बचती है, जिसे बोलते हैं कार्बन ब्लैक। तो कार्बन 14 एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम मृत कार्बनिक पदार्थों की आयु को यानी उनकी एजेस का पता लगा लेते हैं। वहीं यूरेनियम विधि एक ऐसी विधि है जिससे हम चट्टानों की आयु का पता लगा लेते हैं। चट्टान है क्या, चट्टान क्या है, ज्योग्राफी वाले से आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, इसको बताइए चट्टान है क्या, कमेंट करके बताइए। इसके बाद परमाणु बम की खोज किसने की थी? परमाणु बम की खोज की थी ओपन वीमन ने की थी। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ओपन वीमन ने की थी। और मुझे आप बताइए परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, ये भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो, कैथोड रे और उनकी प्रॉपर्टीज और साथ साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।